सूरज आग बरस रहा है, गर्मी से हर कोई परेशान है, ऊपर से बिजली कटौती लोगों की परेशानियों को दोगुना कर दे रही है। राज्य के सीएम कमलनाथ भले ही ये दावा करें कि बिजली की कोई कमी नहीं है, लेकिन पन्ना के शाहनगर में तो बिजली खूब जा रही है। सुबह से लेकर रात तक कई बार बिजली कटती है। गर्मी तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है, समस्या भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। लाइट चली जाती है, सुबह टाइम चली जाती है, शाम टाइम चली जाती है, अगर दोपहर टाइम चली गई तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। घर से बाहर निकलना पड़ता है, कहीं पेड़ के नीचे जाके बैठना पड़ता है कि कुछ तो सुकून मिले। और डिग्री का तो 45 से ज़्यादा ऊपर जा रहा है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि लाइट आती है उसी टाइम नल आता है, उसी टाइम लाइट जाती है तो फिर नल भी नहीं आती, तो वो प्रॉब्लम और एक अलग से हो जाती है। सर गर्मी इतनी तो हमारी पहली बार हमने देखी है, वही की वजह से पेयजल की भयंकर समस्या है। दो बोरे तर पर बैठ गए हैं, ई से और सीओ साहब से बात करी थी, उनने परीक्षण करी के बाद में एक बोर करवाओ है कल, लेकिन वो भी ड्राई निकल गए है। ये गर्मी की वजह से जल स्रोत सूख गए, बड़ी दिक्कत है, और लाइट में भी प्रॉब्लम है, आवाजाही लगी रहे थे। हालांकि अधिकारी अघोषित बिजली कटौती से इनकार कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि जो भी बिजली कटौती हो रही है वो फॉल्ट और मेंटेनेंस की वजह से हो रही है। इतना ही नहीं, बिजली विभाग ये भी भरोसा दे रहा है कि जल्द ही इलाके में बिजली की व्यवस्था को सुचारू कर दिया जाएगा। हाँ, लाइनें फॉल्ट हो जाने पे, कहीं तार टूट जाने पे उसको बंद करके सुधार कर किया जाता है उसमें, जैसे सीएम माननीय सीएम साहब के निर्देश हैं। और अब जो लाइन में झाड़ पेड़ लग रहे हैं क्योंकि बरसात आने वाली है ना, तो उनके वो प्री प्लान्ड करके बाकायदा न्यूज़ में पेपर में निकलवा के, हम 3 दिन पहले पेपर में निकलवा के उसका शट डाउन ले रहे हैं, वो भी प्रातःकाल में सुबह 6 से 9 बजे, ताकि किसी को दिक्कत ना हो उसमें। और ये 2-3 दिन का काम है, उसके बाद पूरी लाइन मतलब आबाधित रूप से चालू रहेगी। एमपी में बिजली कटौती को लेकर सरकार विपक्षी दल बीजेपी के निशाने पर है। बीजेपी लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रही है और सरकार से इस्तीफे की मांग भी कर रही है। पन्ना से दीपक शर्मा की रिपोर्ट।